नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ड्यूबडी सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ड्यूबडी पे। जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में काफ़ी दिन से ये था कि आपके एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स कब होंगे, कब उनकी डेट्स आएंगी। तो फाइनली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने आज डेट्स अनाउंस कर दी हैं। आपके बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से लेकर 10 जून तक चलेंगे, मतलब 4 मई से स्टार्ट होंगे और 10 जून तक आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। और जो आपका रिजल्ट होगा वो 15 जुलाई तक आ जाएगा। और आपकी जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब वो फिर आपको अपने स्कूल अपने हिसाब से बुला के आपकी प्रैक्टिकल्स कंक्लूड करेंगे। बाकी जो स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस बेस्ड मतलब होने की बात थी कि भाई एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट ईयर से, तो अभी ये बात मतलब पक्का नहीं है कि एंट्रेंस बेस्ड ही एडमिशन होंगे। तो आप अपनी तरफ से मेरिट बेस्ड एडमिशन्स की तैयारी रखें। थोड़ा 4 महीने हैं अभी आपके पास और आपका सिलेबस भी 30% रिड्यूस हो गया है, तो आप इन 4 महीने में थोड़ा अच्छे से तैयारी करें। हो सकता है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाए इन 4 महीने में अगर आप अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे तो। बाकी ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में नंबर अच्छे ही आते हैं अगर आप दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ोगे, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े हो तो आप 4-5 घंटे पढ़ोगे तो भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, आपको नॉर्थ कैंपस का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर मतलब एंट्रेंस बेस्ड भी होता है तो जो आप पढ़ेंगे अपने 12th में वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा। अभी एंट्रेंस बेस्ड पक्का नहीं है, जो भी कुछ होता है हम अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखते हैं, क्या पता एंट्रेंस बेस्ड हो, क्या पता मेरिट बेस्ड हो। तो आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा यहाँ आके, तो इन 4 महीने थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी आपको। धन्यवाद।